यूपी में योगी की सरकार है और विपक्ष तुष्टिकरण का आरोप लगाते हुए विशेष समुदाय के लोगों को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर है। तो वहीं जिला सोनभद्र की पुलिस ने एक मर्डर केस को सुलझाते हुए प्रमाणित कर दिया है कि कानून जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं करता और बाबा के राज में सब बराबर है। 18 तारीख की सुबह सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली अंतर्गत चुर्क के ग्राम कोल्हुआ के पास नहर में लगभग 22 साल के युवक का एक शव मिला था। शव की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हत्या की सूचना पाते ही पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हुए मौके पर स्थिति को संभाला। मृतक के परिजनों द्वारा इलाके में ही विशेष समुदाय की महिलाओं और पुरुषों सहित 9 लोगों के खिलाफ पुलिस को लिखित नामजद तहरीर दी गई। इस दौरान सत्ता पक्ष के नेता के साथ विपक्षी दल के नेता भी दलबल के साथ मृतक के घर पहुंचे। परिवार वालों को सांत्वना देते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन भी देने लगे। तो वही मौके को भुनाने के लिए घटना को अलग रंग देते हुए कुछ व्यक्तियों के द्वारा प्रशासन की छवि धूमिल करने की नीयत से संबंधित क्षेत्र के दारोगा पर विभिन्न तरह के आरोप लगाते हुए दो समुदायों के बीच आपसी सौहार्द बिगाड़ने के साथ ही आम जनता में प्रशासन और सरकार के प्रति गलत छवि फैलाने की नीयत से खबरों को अमली जामा पहनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया गया। साथ ही घटना के संबंध में तहरीर में दिए गए 9 लोगों की तुरंत गिरफ्तारी ना करने पर प्रशासन को दोषी बताए जाने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ अपने ऊपर लग रहे आरोपों की परवाह किए बिना आरोप और प्रत्यारोप की बातों को दरकिनार करते हुए सोनभद्र पुलिस ने सूझबूझ के साथ अपने धैर्य साहस का परिचय दिया। घटना की तह में जाकर 2 दिन में ही कातिल की गुत्थी को सुलझाकर सफल अनावरण कर दिया। निर्दोष व्यक्तियों को बचाते हुए दोषी कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। यूपी पुलिस के ऐसे जवाबाज पुलिस अधिकारियों को न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया दिल से सलाम करता है, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दबाव को दरकिनार करते हुए हमेशा सच के साथ दृढ़ता से खड़े रहते हुए न्याय का परचम लहराते हैं। इसी सिलसिले में हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर जुड़े हैं सोनभद्र के SP डॉक्टर यशवीर सिंह। जिले में 2 वर्षों का लगभग कार्यकाल रहा SP साहब का, और हम आज जानना चाहते हैं कि 2 सालों में क्या अनुभव रहा और तत्काल में जो घटनाएं घटी उसको किस तरीके से हैंडल किया गया और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए आगे क्या रणनीति बनी है, इस विषय में हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिले के कप्तान हैं डॉक्टर यशवीर सिंह, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चर्चा करेंगे हम उस समय। सर, ये जिले में अभी तुरंत की अगर बात देखा जाए तो 18 तारीख को एक शव मिला जिसपे खूब जो है कि राजनीति भी सेकी गई और हिंदू मुसलमान भी किया गया इस पर, लेकिन जब पुलिस का खुलासा हुआ तो कुछ और ही निकला। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, थाना रॉबर्ट्सगंज में चौकी के क्षेत्र में एक सिंथरी कोल्हुआ गांव है, जिसमें 18 तारीख को एक सूखी नहर में एक अरविंद चौहान नाम के लड़के की डेड बॉडी मिली थी, जिसकी उम्र लगभग 27 साल के लगभग थी। और उस डेड बॉडी को लेके गांव वालों ने और आसपास के गांव वालों ने हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर वहां पर नारेबाजी की थी और जाम लगाने का प्रयास किया था। उन लोगों का आरोप था कि इसको दूसरे संप्रदाय के लोगों ने इसका मर्डर किया है, और इसी को लेके उन लोगों ने प्रयास किया पुलिस पे कि इन लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कठोर कार्रवाई की जाए, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, तुरंत जेल भेजा जाए, और जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इनका मकान नहीं गिरेगा, तब तक ना हम डेड बॉडी को उठने देंगे, ना हम इसका पोस्टमार्टम होने देंगे और ना जाम खुलने देंगे। तो इसमें पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से, हम लोगों की जो टीम थी नीचे की, जो सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल रैंक के जो हमारे लोग थे, इन लोगों ने इसमें सूझबूझ दिखाई, और जो इस तरीके के एलिमेंट्स थे जो लगातार भीड़ में उकसा रहे थे भीड़ को और क्राइम अपराध करने के लिए या तोड़फोड़ करने के लिए जो उकसा रहे थे, लगातार पुलिस ने वार्ता करते हुए उन लोगों को शांत कराया। इसमें मुकदमा 8 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था, जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे उनके ऊपर दर्ज कराया गया था, और पुलिस के ऊपर ये दबाव बनाया गया था भीड़ के स्वरूप में कि इनको तुरंत जेल भेजा जाए, किंतु पुलिस ने इसमें दबाव को ना मानते हुए और इसमें सही खुलासा किया, और 2 दिन तक इसमें इन्वेस्टिगेशन हर तरीके से किया, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो तथ्य खुल के आए वो बिल्कुल अलग थे, जो आरोप लगाए गए थे उनसे बिल्कुल अलग तथ्य थे। इसमें जो मृतक था, मृतक का गांव की ही एक महिला, शादीशुदा महिला के साथ में अवैध संबंध था, और वो लगातार उस महिला के घर पे जाता था, अवैध संबंध बनाता था। इसका विरोध उसके घर वाले करते थे, ससुराल वाले भी करते थे। 17 तारीख की रात को ही उस महिला के घर गया और वहाँ पर बहसाई हुई आपस में, और उस महिला ने और उसके ससुर ने मिलकर एक रस्सी से उसका गला घोट के उस आदमी को मार दिया, मार के उसकी बॉडी को 60-70 मीटर दूर घर से ले जाके एक सूखी नहर में फेंक दिया। अगले दिन जब लोगों ने उसकी डेड बॉडी को पाया तो उसको सांप्रदायिक
रंग देने का प्रयास किया और घटना को बड़ा स्वरूप देने का प्रयास किया, लेकिन उसमें पुलिस ने फिर 2 दिन के अंदर उसका खुलासा किया और सही अभियुक्तों को जेल गया भेजा गया। इसमें निर्दोषों पर कोई कार्रवाई इसमें नहीं हुई है। ये एक अच्छा उदाहरण पेश आया कि तत्कालीन तत्काल के सरकार में पुष्टिकरण की बात जो विपक्ष कर रहा है बार बार, तो आप एक तरह से सोनभद्र पुलिस ने एक मैसेज दिया कि बाबा के राज में जो भी है सब बराबर है, सब जाति और धर्म देखकर कानून काम नहीं कर रहा है, कानून अच्छे लोगों के साथ है, बुराइयों को मिटाने का पूरा प्रयास कर रहा है। और अगर बात किया जाए सर कि जिले में तेजी से सोशल मीडिया का दौर है, जिले में तेजी से भ्रामक खबरें को फैलाया जा रहा है, खबरों को फैलाकर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए सर आपका क्या करना है? सर देखिए, ये जनपद सोनभद्र में नहीं, सभी जगह पर इस तरीके का है कि सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे, फेसबुक पे या पोर्टल वाले कुछ न्यूज़ चैनल्स पे कभी कभी खबर को सत्यापित किए बगैर भी उसको चला देते हैं, तथ्यों को तरोड़ मरोड़ के एवं बिना उसका सत्यापन कराए भी उनको प्रस्तुत कर दिया जाता है, पुलिस प्रशासन की छवि को ख़राब किया जाता है और जो उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको बिल्कुल अलग ही चीज़ पता चलती है जो वास्तव में घटित नहीं हुई होती। तो इस तरीके की बहुत सारी न्यूज़ चलती हैं, इनको लगातार पुलिस में जो व्यवस्था है, इसमें PHQ में भी, पुलिस हेडक्वार्टर में भी सोशल मीडिया सेल बना है, हर एक जनपद में भी अपना सोशल मीडिया सेल बना है, इसमें अच्छी खासी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात हैं, लगातार 24 घंटे हर न्यूज़ पे नज़र रखते हैं, उनका खंडन भी करते हैं और अगर कोई घटना में किसी तरीके का पोटेंशियल होता है सांप्रदायिक या जातिगत तनाव उत्पन्न करने का तो उस पर तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित करते हैं जो इस तरीके से सौहार्द बिगाड़ रहे हैं, जैसे इसी हत्या वाले केस में जिन लोगों ने सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है, आज उन लोगों के ऊपर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। 2 मीडिया वाले भी इसमें चिन्हित हुए हैं, ऐसे जो दूसरे प्रांतों में रहकर यहाँ की खबरों को चलाते थे और उनको वास्तविकता पता ही नहीं थी, जानकारी नहीं थी और जो सुनी सुनाई खबर थी उसको चला के लगातार प्रचारित प्रसारित सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में करते थे और लोगों में जो है लोगों को उकसाते थे, आंदोलित करते थे। तो इस तरीके के लोगों पर हमने अभियोग पंजीकृत आज इसमें रॉबर्टसन थाने में कराया। इस घटना के पूर्व में भी अगर बात की जाए तो जाति विशेष को लेकर थाने का घेराव हुआ और सत्ता पक्ष के भी नेता जो है कि इसमें दबाव बनाए प्रशासन पे, लेकिन पुलिस ने अपने धैर्य को दिखाते हुए असली मुजरिम को ढूंढ निकाला और कार्रवाई जो हुआ वो न्याय संगत ही हुआ। तो सर ये जो दौर चल रहा है वो किस तरीके से आगे न हो उसके लिए पुलिस क्या कर रही है? कोई भी घटना जनपद में होती है वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाता है, वरिष्ठ अधिकारी उसमें शासन से भी निर्देश प्राप्त करते हैं, हम लोगों को भी आगे निर्देश उसमें मिलते हैं। तो कोई भी इस तरीके का निर्देश नहीं आता कि कुछ गलत किया जाए और या किसी व्यक्ति विशेष पे या जाति विशेष पे कोई विशेष कार्रवाई या कुछ किया जाए उसके विरुद्ध। इस घटना में भी जो सत्यता थी, सत्यता के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दिए गए और उसी आधार पर हमने दोनों घटनाओं में जो सही था, जो वास्तविक था, जो सच्चाई थी, उसके आधार पर कार्रवाई करते हुए जो दोषी लोग थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा और निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। भीड़ की जो अनुचित डिमांड थी वो हमने, पुलिस ने नहीं मानी, पुलिस प्रशासन ने, और जो इस तरीके के तत्व थे भीड़ में जो लगातार लोगों को उकसा के जाम लगाना या कुछ अपराध करना या तोड़फोड़ कराने की फिराक में थे, उन लोगों को चिन्हित करके जनपद में उन लोगों के ऊपर भी लगभग 15-20 लड़के हैं जिनके ऊपर अभियोग पंजीकृत आज कराया गया है। निसंदेह इस बार जो है कि बहुत ही पुलिस का एक अलग सा जो कि खुलासा हुआ है, दबाव में न काम करके और बिल्कुल ही सच्चाई की खोज करते हुए दो दिन के अंदर ही जो असली मुजरिम थे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। ऐसे में बड़े स्तर के अधिकारियों का तो रोल रहा ही रहा है, लेकिन निचले स्तर के अधिकारियों का भी, पुलिस के अधिकारियों का भी बखूबी रोल रहा है। जिसे जनता ने देखा, भीड़ को किस तरीके से काबू किए और किस तरीके से जो है कि स्थिति को संभाला वो सामने आया। ऐसे अधिकारियों को जो निचले स्तर के हमारे पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं उनके प्रोत्साहन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? देखिए, इन दोनों घटनाओं में SHO रॉबर्ट्सगंज, SHO चौपन और हमारी SOG की टीम ने और चौकी इंचार्जेस और नीचे के जो हमारे बीट के आरक्षी थे और अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी ने लगातार क्षेत्र में रहे और घंटों तक भीड़ को समझाया, किसी के साथ भी कोई गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया, किसी प्रकार का बल प्रयोग करने की जहाँ आवश्यकता नहीं थी वहाँ बल प्रयोग नहीं किया, किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया और लगातार लोगों से वार्तालाप करते रहे, कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखा सभी लोगों से और धीरे धीरे घटना भी शीघ्रता से खुलासा हो गया। तो जब सच्चाई और वास्तविकता लोगों को पता चली तो जो झूठी खबरों को सुन के लोग
या अफवाहों को सुन के जो लोग इकट्ठा हो गए थे, सब लोग अपने आप वहाँ से हट गए। कुछ अगर सूत्रों की बात किया जाए तो सर पता चला कि जो ग्राम प्रधान थे वहाँ के, उनकी गाड़ियों का चालान सात चौकी इंचार्ज ने किया था, उसी का देश बस ये जो है कि इसको दूसरा जामा पहनाने का काम किया गया था, दूसरे तरीके के इसको हिंदू मुस्लिम तुष्टिकरण का काम किया गया था। अगर अगर मर्डर की बात किया जाए तो उससे हट के बड़ा कुछ करने का योजना थी, जैसा कि हम लोगों ने आपने भी देखा वीडियो में कि इसको हिंदू मुसलमान का रंग देने के लिए, हो सकता है कि आगे कुछ सावन का त्यौहार आने वाला था तो उसके एवज में कुछ बड़ा करने का नियत था, उसको पुलिस ने विफल कर दिया पूरी तरीके से। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सर कुछ कार्रवाई हो रही है क्या? देखिए, इसमें कभी ना कभी कोई ना कोई कार्रवाई ऐसी होती है जिससे किसी व्यक्ति के मन में पुलिस के प्रति रोष रहता है, या तो उसकी गाड़ी का चलान हुआ हो या उसका उसके ऊपर अपराध दर्ज हो, तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र ना बना हो, ठेकेदारी का लाइसेंस ना बना हो, तो वो अंदर अंदर कुछ ना कुछ कभी कभी उठा रखता है। और जब इस तरीके का मौका उसे भीड़ के स्वरूप में मिलता है तो वो उसको अपने द्वेष को पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति जो होता है उसको निकालता है और चाहता है कि माहौल ख़राब हो। ऐसी ही घटना ये सिलसिले में करने का प्रयास किया। ग्राम प्रधान ने इसमें बहुत नेगेटिव रोल अदा किया है और उसमें हमने FIR भी उनके खिलाफ दर्ज कराई है और आगे भी इसमें हम कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ चार्जशीट लगाएंगे। और ऐसे लोग जो इस तरीके से माहौल को ख़राब करते हैं और किसी भी छोटी छोटी घटना में ये मौका ढूंढते हैं कि किस प्रकार से लोगों को उकसा के, भड़का के, जो सीधे सच्चे लोग हैं जनपद के, उनसे जो है तोड़फोड़ कराई जाए, पुलिस प्रशासन के प्रति जो है उनके मन में द्वेष भरा जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, उन पर शीघ्र हम कार्रवाई भी करेंगे। जैसा कि सर सावन का महीना शुरू हो गया है आज और ज़िले में काफ़ी शांति व्यवस्था पहले दिन की देखी गई है, कोई किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं सामने आई है, आगे की सर पूरा एक महीने का सावन होता है, किस तरीके की रणनीति बनी है अपनी और किस तरीके की टीमें लगाई गई हैं कांवड़ियों को सुरक्षा को लेके, मंदिरों को सुरक्षा के लेके, और आपसी सौहार्द ना बिगड़े, मेन मुद्दा तो ये एक इसमें लगातार मीटिंग हो रही है और थाना अध्यक्षों को और चौकी इंचार्ज पूरी टीम को यही निर्देश दिया गया है कि सबके साथ में अच्छे व्यवहार से वार्ता करें, सभी लोगों की सुनवाई करें, निष्पक्षता से कार्रवाई करें और जो वास्तविकता है उसके आधार पर बिना किसी दबाव झेले उसमें कार्रवाई करें। सावन मास में जो पिछले साल से जो व्यवस्था है वही व्यवस्था इस बार भी की गई है। 8 सेक्टर्स में और 4 जोन में जिले को विभाजित किया गया है, जिसमें जोन के क्षेत्राधिकारी और सेक्टर्स के इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के साथ में तहसीलदार, क्षेत्र अधिकारी के साथ में SDM की ड्यूटी लगाई गई है। रूट डाइवर्जन किया गया है, जो भारी वाहन है कावड़ वाले रोड पर उनको रोका गया है और जहां से जल भराव होगा वहां भी ड्यूटी लगाई गई है और जहां जहां शिवालय हैं, नदी हैं, वहां भी ड्यूटी लगाई गई है। 24 घंटे ड्यूटी हमारी चल रही है और आज का जो जलाभिषेक था जो मंदिरों में किया है लोगों ने, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, बचे हुए जो 4 सोमवार हैं उनको भी अच्छे तरीके से हुआ। एक आखिरी सवाल सर हमें आपसे पूछना चाहते हैं कि ज़िले में सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, प्रभावी है, बहुत सारे लोग टीवी कम देखते हैं लेकिन मोबाइल सबके हाथ में होता है और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल की खबरों पर ध्यान देते हैं, तो सर ऐसे सोशल मीडिया में जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती हैं तो उनका काम कुछ अप्रिय लोगों का काम है फैलाना, लेकिन सर आप क्या अपील करना चाहेंगे अपनी सोनभद्र की जनता से, इनकी खबरों को कितना संज्ञान देना? देखिए, बहुत सारे माध्यम हैं सूचना पहुंचने के आज के टाइम में व्यक्ति के पास में, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है और तमाम पोर्टल पे चैनल्स बने हुए हैं, तो उनके माध्यम से ऐसी भी रहता है कि कभी कभी झूठी या बिल्कुल ही फर्जी खबर भी उन तक पहुंच जाए। हो सकता है वो जनपद सोनभद्र की खबर ना हो, घटना कहीं और हुई हो, तो वो खबर भी बढ़ा चढ़ा कर कुछ लोग माहौल ख़राब करने के लिए प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी खबर आए तो उस पर तुरंत रिएक्ट ना करें, पहले उसको अच्छे से वेरीफाई कर लें, सत्यता प्रमाणित कर लें, अपने लोकल थाने पर भी बात कर सकते हैं उसके संबंध में, और जो हमारा सोशल मीडिया सेल बना हुआ है उससे भी बात कर सकते हैं, और अगर किसी खबर में कोई सत्यता है तो उसकी तत्काल पुलिस को सूचना दें ताकि हम लोग इस पर जो निष्पक्ष कार्रवाई है, जो विधिक कार्रवाई है, वो हम लोग कर सकें। इसके लिए हमारे पास में सोशल मीडिया की पूरी अपनी टीम है जो लगातार ऐसे जो न्यूज़ चैनल हैं, ऐसे जो पोर्टल्स के हैं या यूट्यूबर्स हैं या जो भी इस तरीके की भ्रामक खबरों को फैलाते हैं उनको ब्लॉक कराने का भी पुलिस को अधिकार है और उनमें खबरों को खंडित करते हैं हम लोग, लगातार हमारी टीम इसमें एक्टिव है। तो हम लोग बात कर रहे थे जिले के सौहार्द बिगाड़ने को लेकर कुछ लोगों ने जो है कि भ्रामक खबरें फैलाई थी और मर्डर को एक दूसरा रूप देने की कोशिश किया था, लेकिन सोनभद्र पुलिस ने पूरी तरीके से इस उनकी व्यवस्थाओं को
एकदम से ठप कर दिया और दूसरे तरीके से जो मेन दोषी थे, जो मुख्य आरोपी थे, उनको सलाख के पीछे पहुंचा दिया। और इसी सिलसिले में हमारी बात हो रही थी सोनभद्र के पुलिस कप्तान डॉक्टर एस वीर सिंह के साथ, और मैं जो है कि उनसे रूबरू हुआ और अपने चैनल के माध्यम से उनसे जानकारी लेना चाहा। बहुत ही अच्छे ढंग से माहौल, अगर सोमवार की बात किया जाए, अगर सावन की बात किया जाए, तो जिले में पूरे तरीके से सौहार्द है। पहला सोमवार है और कोई भी अप्रिय घटना नहीं आई है, अच्छी टीमें लगी हैं और बहुत ही अच्छी कानून व्यवस्था चल रही है। और इसी बात को लेके हम आगे बढ़ेंगे और दूसरे प्रोग्राम मिलेंगे। शशिकांत सिंह।